सो वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्रार और आज हम करने लगे हैं Q&A। Q&A का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर्स। मैंने कल ये पोल लगाया था जिसमें कि आप देख सकते हैं, अगर आपने इसके ऊपर जवाब नहीं दिया तो मेरा कोई कसूर नहीं, और जिन्होंने दिया है उनके मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा आज। और वीडियो के एंड तक देखना है, कुछ हमारी जंग भी होने वाली है इधर और कुछ शुगल भी लगने वाला है, तो हमारे साथ रहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर विजिट नहीं किया तो सबसे पहले विजिट कर लें, आपको पता लग जाएगा हम करते क्या हैं इधर। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है भाईजान आशिर अजीम की तरफ से। मैं तो यहाँ पे स्क्रीन नहीं लगा रहा, तो अगर आप लोगों ने देखना है कि किन किन ने सवाल किया है तो वो कम्यूनिटी में जाके आप जरूर चेक कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को टोयोटा और होंडा के अलावा इस दुनिया में कुछ नज़र क्यों नहीं आता? हज़ारों और ब्रांड्स हैं, 20 लाख में गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है और बाहर से फिर क्यों? सही बात ये भाई ने कि 20 लाख में अच्छी गाड़ी और भी आ सकती हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं, जैसे मतलब कि वॉक्सवैगन हो गई और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, तो हम उनको क्यों नहीं इंपोर्ट करते? सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, निसान है पाकिस्तान में, कितनी अच्छी गाड़ी आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, लेकिन जब ख़रीदते हैं मज़ा आता है, ड्राइव आता है, लेकिन कुछ अर्से बाद उसका भी कबाड़ा निकल जाता है क्योंकि पार्ट्स नहीं मिलते। तो ये प्रॉब्लम की वजह से हम किसी और ब्रांड की तरफ जा ही नहीं पा रहे। आई होप आपको इसके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिखाते हैं, आपको काफ़ी तगड़ा सवाल है अमाद अली की तरफ से। ब्रदर, आप जो वीडियो बनाते हो तो उसका टाइटल आप कोई और रखते हो और अंदर सब बकवास रखा होता है व्यूज़ के लिए। चलो ठीक है, आपका चैनल है, नेम एवरीथिंग है, तो आप फिर टाइटल और फोटो मिक्स रखा करो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो भाईजान, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप इस तरह की कोई वीडियो जो मेरे जिसका टाइटल कुछ और हो, अंदर कुछ और हो, तो वो आप इसी कमेंट के नीचे आपने मुझे बताना है, ठीक है। और अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपने भी जाके उस लिंक को ज़रूर चेक करना है कि मेरी कौन सी वीडियो इस तरह की है कि मैंने टाइटल कुछ और दिया, अंदर कुछ और था, ठीक है। और व्लॉग, अगर आप व्लॉग का कुछ कह रहे हैं, व्लॉग इस तरह होता है, व्लॉग पूरे दिन का होता है, ठीक है। व्लॉग पूरे दिन में आपका, अब आप हमें पूरा दिन नहीं लिख सकता, हाँ जी पूरा दिन में मैंने ये 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 किया, ठीक है। उसमें सिर्फ एक टाइटल देना होता है सर्च करने के लिए, सर्च इंजन यूट्यूब की से एक सर्च इंजन होता है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ लग गई होगी कि सर्च इंजन क्या होता है, उसके मुताबिक टाइटल देना पड़ता है। अगर आपकी बात, अगर आप लिंक दें, अगर इस तरह का कोई हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अपोलोजाइज़ करूँगा, माजत करूँगा, ठीक है जी। और भी जो भी कुछ कहेंगे मैं करूँगा। बहरहाल आप सबसे पहले आप ये अपनी आँखों में डाला करें, ठीक है, इससे आपको नज़र आने सही लग जाएगा, अच्छे से अच्छा जंग निकाल देता है ये, ठीक है। आप भी ये यूज़ करें, आई होप कि आपको ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। मैं भी इसी तरह की वीडियोज़ करने लग गई हूँ जिस तरह स्क्रीन पर टाइटल आ रहा है कि ऋषि कपूर का अल्लाह का साहब हुआ, ठीक है। तो मैं भी इस तरह के बनाने लगूँ तो क्लिक बेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह की वीडियोस क्लिक दस्ती करेंगे, तो आई होप कि आप भी समझ गए होंगे इस बात को। तो चिल मारा करें और पूरी वीडियो देखने के, अगर वो चीज़ नज़र ना आए तो तब आप मुझे अपोलोजाइज़ कर, तब आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमजा खान, न्यू मिरान को 98 मॉडल मिरान का डैशबोर्ड लगाया जाए, 4 एसी वेंट वाला, और इसकी एसी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी? आंसर में सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो कंप्रेसर होता है ना एसी का, वही परफॉर्मेंस देता है, वही आपकी कूलिंग बनाता है, जितना बड़ा होगा वो उतनी अच्छी कूलिंग बनाएगा। 800 सीसी के हिसाब से जितना भी उस पर लगा है वो उतनी ही देगा। सिर्फ वेंट का काम ये है कि उसके ना ब्लोअर लगे होते हैं, वो हवा को थ्रो करते हैं, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और मुझे ये नहीं पता 98 में 4 आते हैं या नए में 2 आते हैं, तो ये इतना मुझे आइडिया नहीं है। और सिर्फ उसे ब्लोअर का फ़र्क होगा, और ज़ाहिर बात है हवा ज़्यादा होगी तो आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तो इतना सा इसका आंसर था, तो मैं उम्मीद आपको समझ लग गई होगी इस बात की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी PUBG OMX के नाम से, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और आपके पास कौन सी कार है? या मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, स्लो ही चल रहा है, तो और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर चल रहा है काफ़ी लोगों से। तो अब जो मेरी, हमारे पास जो गाड़ी है, मेरे पास मज़दा 1500 है, 1969 मॉडल, उसका आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप मज़दा 1500 सर्च करें, ग्रीन कलर की आ जाएगी, नहीं तो मैं लिंक दे दूँगा अगर आपको एक प्राइवेटली चाहिए हो तो।
और दूसरी गाड़ी है होंडा सिटी 2010 मॉडल, वो भी हम मतलब फैमिली यूज़ के लिए रखी हुई है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सी ब्रदर्स इजाज़ भाई, गाड़ी मॉडिफाइड करानी हो कहाँ से होगी? भाईजान दुकान से होगी, अब हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा एक और सवाल आ जाए है जी, दी सेपरेट गेमर, पता क्या इसको लिखा हुआ है, क्या CNG गाड़ी के लिए नुकसानदेह है? जाहिर ही बात है, आप जो खाते हैं, अच्छा मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 5 सेब खाते हैं ठीक है दिन के, आपको मैं 3 सेब देने लग जाऊं और तब आपकी हालत क्या होगी? वही हिसाब होता है कि इंजन को आप पेट्रोल से जब CNG पे लाते हैं तो उसकी जो उसको खुराक मिल रही होती है वो काफ़ी कम होती है, और CNG पेट्रोल की निस्बत कम ब्लास्ट करता है, तो इसलिए वो आपकी इंजन के लिए भी इफ़ेक्टिव है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ लग गई होगी। पुराने इंजन हो तो मे भी अगर उसमें सही चलता है, नए इंजन पे इतना कोई तजर्बा ना करें, नए इंजन काफ़ी एफिशिएंट है, पेट्रोल एवरेज भी बहुत अच्छी देते हैं, तो उसको जिस तरह है उस तरह ही चलने दीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आता है जी, ज़ुबैर शाहिद भाई, अपने रिंग लाइट कहाँ से ली और ली थी और कितने की ली? मैंने यार रावलपिंडी से ली, यहाँ पे कराची कैमरा सेंटर है, हमारे अपने भाई हैं तो उन्होंने मुझे घर ही डिलीवर कर दी थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शॉप्स बंद हैं, वो अपना सामान घर ही ले आए थे। तो आप अगर आप भी लेना चाहते हैं तो कराची कैमरा सेंटर यूट्यूब पे सर्च करें, आपको नंबर वगैरह भी मिल जाएंगे, उनकी वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी, तो आप उनको जाके ज़रूर विज़िट करें और वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, आपको पूरा अभी पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं, तो आप उनसे रब्ता कर लें। मैंने 4,000 रुपये की ली थी, तो डिलीवरी वगैरह मिलाकर उनसे आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अलैरियम्स के बारे में बताएं। अलैरियम्स के बारे में आपको मैं गाइड कर दूं कि हमारे एक भाई का चैनल है, अभी इन्होंने रिसेंटली बनाया, पहले उनका फेसबुक पेज था, काफ़ी लोगों को पेज नहीं मिलता था, तो यूट्यूब पे काफ़ी आसानी हो गई है, मलिक ट्रेडर्स के नाम से है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं, न्यू रिम्स होते हैं, पाकिस्तान में इम्पोर्टेड रिम आपको मिल रहा है, ये बड़ी बात है, उनकी शॉप पेशावर में है, तो आपने जा आके ज़रूर विज़िट करना है, ठीक है? वीडियो उसका चैनल, उनका चैनल ज़रूर चेक करना है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राफे मीर, सर शेयर योर ब्लॉगिंग सेटअप एंड ऑल्सो एडवाइस दी बिगिनर। यार ये मेरे मतलब का सवाल आ गया, बात बता गया, मैंने जब शुरू किया था ना चैनल, सबसे पहले मैं आपको मोटिवेशन देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब चैनल शुरू किया था तब मेरे पास मोबाइल था 20,000 वाला, ठीक है? तब गैलेक्सी S7 था, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसकी माइक क्वालिटी अपनी बड़ी अच्छी थी, ठीक है? मैं अपना कपड़ों का काम करता था, ठीक है? तो साथ साथ मैं जुम्मे की वीडियोस भी बना लेता था उससे, और मैं अपलोड कर देता था, एडिटिंग भी उसी से ही कर लेता था। काइंड मास्टर सॉफ्टवेयर मोबाइल का फ्री में मिल जाता कहीं से भी, तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आप परचेज़ कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने वो यूज़ किया तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा वो, और मैंने उससे 45,000 या 38,000 सब्सक्राइबर कर लिए थे, और सिर्फ मोबाइल से। उसके बाद मैं DSLR पे आया, DSLR से GoPro से अभी भी मैं देख लें कैमरे से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा सा सेटअप बढ़ता गया, तो ये भी सारा कुछ मैंने YouTube की इनकम से ही बनाया है। अच्छा जी, तो ये थे आज के सवाल कुछ, उम्मीद है आपको काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो देख के। अगर इस तरह के आप लोग सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं तो इस तरह का मैं कोई भी पोल लगाऊं, कोई भी तस्वीर लगाऊं क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप अपना सवाल वहां पे छोड़ सकते हैं। और भाईजान अगर अमाद भाई, अगर आपको इस बात से गुस्सा लगा हो तो माइंड मत कीजिएगा, ये सब एक मजाक था, ठीक है? ये सिर्फ गाड़ियाँ या कहीं जंग लग जाए वहीं यूज़ कीजिएगा, आंखों में असल डाल लेना। और मैं सबका भाइयों में मजाक में लगा रहता हूँ, मैं कभी सीरियस नहीं होता, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आज कम्युनिटी है, इसी वजह से है कि मैं सबकी सुनता हूँ और सबके जवाब भी देता हूँ। काफ़ी लोग ज़िद्दी भी हैं, बदतमीज़ भी हो चुके हैं, इसी वजह से कि मैं उनका जवाब देता था, और कुछ दिन तक मैं जवाब नहीं दिया तो वो आगे से बदतमीज़ी करते थे, तो इसलिए मैंने काफ़ी लोगों का जवाब देना छोड़ दिए, इसलिए मैंने लोगों के कम जवाब देना शुरू कर दिए। तो इसी मेरा कोई एटीट्यूड नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा इशू की वजह से मैं फंसा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी मज़े की लगेगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए,
दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।